forte. Sei o que isso vai dar. Hey guys, this is Kailash. और आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी सर्कल के ऊपर। तो थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि वीडियो जो है कस्टम यूआरएल के ऊपर होने वाली है, कि कस्टम यूआरएल क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इसको पाने के बाद यानी इसको आप जब गेन कर लेते हो तो आपके पास क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं। सो यार, कस्टम यूआरएल क्या है? जब भी आप अपना जो यूआरएल है यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों का अकाउंट है, उसमें से आपका भी है, जिसके लिए आपको एक यूनिक आइडेंटिटी दी गई है, ये उसको हम बोलते हैं कि यूआरएल है आपकी चैनल का, ठीक है। तो अब चैनल का यूआरएल है, अब आप चाहते हो कि वो यूनिक दिखे, यानी कि जब आप, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं थोड़ी देर में समझाऊँगा कि वो यूनिक कैसे दिखेगा, कुछ अलग कैसे दिखेगा। वेल, अगर आपको चाहिए कस्टम यूआरएल तो आपके पास, आप इसके लिए एलिजिबल होने चाहिए, आपके पास कुछ क्राइटेरिया, उनको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। सो सबसे पहले क्या आता है कि आपको क्या क्या चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए वैसे बेसिकली चार चीज़ें चाहिए, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका जो चैनल है वो 30 डेज पुराना होना चाहिए, आपका जो चैनल बनाया है आपने वो 30 दिन उसको कंप्लीट हो जाने चाहिए। दूसरे नंबर पर आपका जो प्रोफाइल है, यानी कि आपने अपना जिस जो अकाउंट बनाया है उसके ऊपर एक इमेज लगाई होनी चाहिए अपने चैनल के लिए। आप जो तीसरे नंबर पर आता है, उसके बाद आपको एक बैनर लगाना पड़ेगा अपने मेन पेज के ऊपर, अपने मेन अकाउंट के ऊपर। जब आप बैनर लगा लेते हो तो आपका तीसरा क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है। जो फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपके 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाने चाहिए आपके अकाउंट के ऊपर, यानी आपके चैनल के ऊपर। सो अगर आप ये चारों क्राइटेरिया हैं आपके पास तो आप एलिजिबल हैं और आप एक कस्टम यूआरएल सेट कर सकते हैं। जब आपके ये चारों क्राइटेरिया आपके हो जाते हैं कंप्लीट तो आपको इनेबल कर देता है कस्टम यूआरएल सेट करने के लिए। सो कैसे करना है उसको सेट, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर सारा कुछ करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको पूरा जानकारी मिल जाए। सो आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को एक लाइक कर दो अभी से ही, और चलिए शुरू कर लेते हैं क्या है चीज़ें। सो यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन ले लिया है और मैं इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, और मैं आपको ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग साइड में चलाकर दिखाऊंगा, इस साइड या इस साइड, तो आपको उससे कम्प्लीटली समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो यार, मैं यहाँ पर अपना सबसे पहले ओपन करता हूँ इंस्टाग्राम का आईडी, ठीक है, जो मैं चलाता हूँ। सो मैंने यहाँ ये ओपन कर लिया है और मैं आपको अपने अकाउंट के ऊपर ले जाकर दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। सो जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो मेरे अकाउंट पे मैंने लगा रखा अपने YouTube चैनल का लिंक, तो उसमें क्या लिखा हुआ, youtube.com/channel UCPMZALO, काफ़ी लंबी स्ट्रिंग है, लेटर्स की है, कुछ उसमें और भी चीज़ें ऐड है। तो अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको चाहिए कैसा, तो मैं यहाँ सर्च करके दिखाता हूँ आपको। ये रहा मेरा सर्च बटन, एंड आप चाहते हो टेक्निकल गुरुजी की तरह, सो दिस इज़ टेक्निकल गुरुजी अकाउंट। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि क्या है कि www.youtube.com/technicalguruji। सो अगर आपको ऐसा सिंपल चाहिए ना कि आपके अकाउंट के नेम का ही आपका लिंक बने, सो आपको कस्टम यूआरएल की ज़रूरत पड़ती है। तो अब मेरे को लगता है कि आप समझ गए होंगे, अब इसको कैसे सेट करना है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं सीधा आपको कंप्यूटर तो नहीं है मेरे पास, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ। ओके, सो यार, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर हम अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो आपको अपनी किसी भी ब्राउज़र के ऊपर चल जाना है, आपके पास क्रोम है, आपके पास ओपेरा है, तो आपको उसको ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है क्रिएटर स्टूडियो। सो जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, आपका जो स्टूडियो वाला लिंक है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है एंड आप स्टूडियो पे पहुंच जाते हो। आपको वेब वाले पे ही रहना है, आपको ऐप वाले पे नहीं जाना है, ठीक है, वहाँ पर आपको ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ नहीं मिलती हैं। सो ये हमारा स्टूडियो जो है ओपन हो गया है, क्रिएटर स्टूडियो। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में राइट साइड में क्या दिख रहा है, मेरा आइकन दिख रहा है चैनल का, ओके, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं इसी की बात कर रहा था कि आपका यहाँ पर एक इमेज लगाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इमेज लगा रखी है,
और मैं यहाँ पर यूअर चैनल पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात और इसके बाद जब आप अपना फ़ोन देख रहे हो यहाँ पर, तो आपके स्क्रीन के ऊपर क्या नज़र आ रहा है आपको? आपको दिख रहा है टेक्नोलॉजी सर्कल का जो मेन पेज है, और यहाँ पर देखिए एक बैनर पे एक इमेज लगी हुई है। कोई भी रैंडम इमेज लगा लीजिए अगर आपको कस्टम यूआरएल सेट करना है, या फिर आप अपने कस्टमाइज अपनी इच्छा अनुसार जो ऐसा भी आपको डिज़ाइन करना है आप वैसा करके उसके बाद आप एक बैनर पे इमेज लगा दीजिए तो आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, कस्टमाइज चैनल यहाँ पर आपको दिख रहा हो एक मैनेज वीडियोस, आपको कस्टमाइज चैनल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अब आपको क्या दिख रहा है, आपको तीन ऊपर आपको चैनल कस्टमाइजेशन के नीचे तीन टाइप के आपको लिंक या बटन टाइप के दिख रहे हैं। तो आपको लेआउट मिल जाता है, एक ब्रांडिंग मिल जाता है, एक बेसिक इन्फो मिल जाता है। आपको बेसिक इन्फो पे क्लिक करना है। नीचे आप यहाँ पर आओगे तो आपको क्या मिल जाता है, आपके चैनल का डिस्क्रिप्शन, एड लैंग्वेज, चैनल यूआरएल, जो आपका चैनल का यूआरएल है ना वो ये है। और यहाँ पर देखिए एक आता है, आपको नीचे बटन मिल जाता है सेट ए कस्टम यूआरएल फॉर योर चैनल, सो दिस इज़ द लिंक जहाँ पर आपको क्लिक करना है और आप अपना कस्टम यूआरएल सेट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर मैंने ना पहले से एक यूआरएल सेट किया हुआ था टेक्नोलॉजी सर्कल नाम से। सो यहाँ पर देखिए आप, अब यहाँ पर आपका भी ऐसा ही कुछ आएगा कि आप टेक्नोलॉजी, आपका जो चैनल का नेम है वही आ जाएगा, और आपको उसके आगे कुछ लिखना चाहते हो या वही सेट करना चाहते हो। अब यहाँ पर मेरे जो चैनल का नेम है शायद वो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये नाम मुझे टेक्नोलॉजी सर्कल एज इट इज़ नहीं मिल सकता, मुझे इसके साथ कुछ ऐड करना पड़ेगा मे बी। तो यहाँ पर मैंने पहले से वन लिख करके बनाया हुआ था इससे पहले, तो यहाँ पर मैं वही सेट कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप एक यूनिक यूआरएल चूज़ कर लेते हो तो आपका यहाँ पर देखिए साइड में आपका ग्रीन टिक हो गया है। सो ग्रीन टिक होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली पब्लिश कर देना है। ओके, तो यहाँ पर हम कर देते हैं पब्लिश। सो ये इंस्ट्रक्शन सारे कुछ पढ़ लेना, इनको कंफर्म कर देना, और आपका पेज रिफ्रेश होगा और नीचे आपको क्या आ गया, चेंज पब्लिश्ड गो टू चैनल, तो चेंजेस पब्लिश हो गई। अब आप ये वाला, पहले आप ये वाला यूआरएल लगाते थे, चैनल का यूआरएल लगाकर कहीं पे आप सेट करते थे, अब आप यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर ये देखिए कॉपी का एक बटन दिया हुआ है, आप इसको कॉपी करोगे तो यहाँ पर आ गया लिंक कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब आप जब भी इस लिंक के ऊपर जाओगे ना, जब भी आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको मेन पेज पर ही लेकर जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि कहीं पे मैं इसको लिख कर देखता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये लीजिए, मैंने कर लिया है अपना व्हाट्सएप ओपन, एंड यहाँ पे मैंने एक वॉच टैग नाम का अकाउंट है मेरे पास। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर जब आप पेस्ट करते हो तो क्या आ गया, https://youtube.com/ channel/technology-circle1। सो ये मेरे चैनल का आ गया, एंड अगेन आई एम कॉपिंग दिस, और आप देख सकते हो कि क्या आ रहा है, टेक्नोलॉजी सर्कल वन आ रहा है। पर जब हम दूसरा वाला करते हैं अपना डायरेक्ट यूट्यूब से करते हैं तो वो दूसरा आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सो मैं एक वीडियो शेयर करके दिखाता हूँ आपको, इट्स माई चैनल एंड आई एम गोइंग टू शेयर माई चैनल। ओके, सो यही रहा मेरा व्हाट्सअप, एंड मैं जाके शेयर करता हूँ इसको वॉच टैग के ऊपर। सो नाउ इट्स टेक्नोलॉजी सर्कल, अभी ये टेक्नोलॉजी सर्कल है क्योंकि हमने कस्टम यूआरएल सेट कर दिया है। पर जब आप सेट नहीं करते हो तो आपका आता है सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है, और कुछ इस तरह का जैसा कि मैंने यहाँ पर डाला हुआ है पहले ही इंस्टाग्राम के ऊपर, जैसा कि मैंने पहले से डाल रखा है, आप उसको भी देख सकते हो कि वहाँ पर मैंने किस तरह का डाल रखा है। वहाँ पर सेट ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन है जो कि लगा हुआ है। सो ये देखिए यहाँ पर मैं यहाँ मोर पे क्लिक करता हूँ एंड एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके मैं देखता हूँ कि मुझे क्या मिलता है। सो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है, देखिए मैंने अपने वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है तो यहाँ पर ये है। बट जब आप इस पर क्लिक करोगे तो भी आप मेरे मेन पेज पर ही पहुँचोगे, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ एक बार। सो मैंने इस पर क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पर ये लोड होकर और मेरा वही मेन पेज खुलेगा, यानी मेरा अकाउंट खुलेगा, और दो जो जो हमने कस्टम यूआरएल सेट किया है उससे भी यही खुलेगा सेम पेज।
तो आपको क्या लगता है कौन सा ज़्यादा बेहतर है, लोगों को क्या याद करना ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, टेक्नोलॉजी सर्कल वन या फिर ये सेट ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स के जो कॉम्बिनेशन है उसको याद करना ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। सो देखिए ये यहाँ पर वही चीज़ ओपन हो गई है। अब हम एक कर काम करते हैं कि अपना यहाँ पर हम दूसरा लिख देते हैं, ठीक है, एडिट पे करके हम इसको डिलीट कर देते हैं, ओके, एंड लिख देते हैं टेक्नोलॉजी सर्कल वन वाला जो हमने कॉपी किया था। सो ये आ गया, एंड क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए टेक्नोलॉजी सर्कल वन आ गया। अब मैं इस पर वापस क्लिक मारता हूँ। सो व्हाट इज़ मोर बेटर, चॉइस इज़ योर्स। इफ़ यू वांट टू सेट योर कस्टम यूआरएल, वॉच दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू ऑन द बेल नोटिफिकेशन बेल। ठीक है, अपना बेल नोटिफिकेशन को दबा लो और बने रहो हमारे साथ कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग जानने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय टाटा।